गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जजमेंट सीरीज आज की जो हम केस के डिस्कस करने वाले हैं वो स्टिल आपने अभी कुछ सालों पहले पढ़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ एनजैक नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन और ये गेम ये जो लड़ाई है टसल ये स्टार्ट कहां से हुई है थ्री जजेस केसेस इसको हम सिंगल सिंगल कर कर अभी डिस्कस करेंगे कि 81 में क्या हुआ 93 में क्या हुआ एंड फाइनली 98 में क्या हुआ एंड इस पूरे जजमेंट के बाद आपको प्रॉपरली पता लग जाएगा कि कोलिजियम सिस्टम किस तरीके से आया था वाई कोलिजियम इनटू इन एंड जो 1969 से लेकर 1975 का जो इरा था जिसमें यहां पर डायरेक्ट असल चल रही थी जुडिशरी के साथ इंदिरा गांधी की वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिसने इस चीज को बर्थ दिया था ओके okay, बिकॉज़ उस टाइम पर आपने देखा होगा कि एग्जीक्यूटिव टोटली ओवर रूल कर रहे थे ज्यूडिशियरी को प्रेसिडेंट मींस इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली ओके okay, सो so, थ्री जजेस केसेस को हम सिंगल सिंगल करके कर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आए एंड कुछ बुक्स में अभी को फोर जजेस केसेस का नाम भी दे दिया है एनजेको हम बिल्कुल सेपरेट एक सेशन में डिस्कस करेंगे बट आज हमारा टॉपिक होगा थ्री थ्री जजेस केसेस ओके okay, So, before starting, मैं आपको इसका थोड़ा सा जिस्ट बताता हूं कि आर्टिकल 124, आर्टिकल 217, दे बोथ डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड अभी तक ये कहा गया था कि जो पार है जजिस को लगाने के लिए वो पार है एग्जीक्यूटिव के पास एंड उनको हटाने की जो प्रोसीजर है वो कहां पर होगा लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में होगा ओके okay? जब इनको हटाना होगा इम्पीच करना होगा किसी जज को तो अभी तक ये चल रहा था बट ये फाइनली एंड होता है विद कॉलिजियम सिस्टम एंड कॉलिजियम सिस्टम का दूसरा मतलब क्या है कॉलिजियम सिस्टम का एक दूसरा मतलब है जे ए जे जजेस अपॉइंटिंग जजेस खुद ही जजेस जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं एंड बीच में एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल यहां पर नहीं आएगा

इन दॉलीजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल अपॉइंट जजेस खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं बट ये कैसे जजेस जजेस अपॉइंट पे गेम आई इसके लिए ये सारे के सारे फर्स्ट सेकंड, थर्ड जो जजेस केसेस हैं, ये आपको पहले डिस्कस और यहां पर समझने पड़ेंगे ओके okay? तभी आपको ये समझ में आएगा कि जजेस के पास पार क्यों दे दी गई है क्या सरकम और क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जजेस को ये डिसीजन लेना पड़ा कि एग्जीक्यूटिव बीच में नहीं आएगा और यहां पर हम खुद ही जजेस को अपॉइंट कर नाम भेजेंगे प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए तो प्रेसिडेंट यहां पर बाउंड है, को, है, तो है उस चीज के लिए यहां पर प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 ट्वेंटी फोर

चीफ जस्टिस के याद है, but may or may not. अगर प्रेसिडेंट is not happy, तो जरूरी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस की बात को मानेंगे, ओके? Okay, यहाँ पर that means एक्जीक्यूटिव का एक अपर हैंड रहेगा. Provided that in case of appointment of judges other than chief justice, the chief justice also be consulted. Provided a judge may by writing under his seal address to the president resign his office. A judge may be removed from his office in the provided clause four.

एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस तो उस हाई कोर्ट का रिस्पेक्टिव फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का पंजाब का हो रहा है तो आपको चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट करना पड़ेगा डन दोनों के दोनों फॉर्म में हमने देखा कि पार किसके पास है अभी तक एग्जीक्यूटिव के पास है बट एक वर्ड दिया है आफ्टर कंसल्टेशन विद अब यहाँ पर क्या हुआ कोर्ट को लगा कि द कोर्ट हैज डिवाइस इट्स ओन

जहां पर इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट सुनाई थी उन तीनों को सुपरसीड कर कर इनके जूनियर को यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया ए एन रे और कहा कि सीनियरिटी नहीं मैरिट के बेस पे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा ओके okay? एंड इन ती, ये तीनों के तीनों जजेस उनसे सीनियर थे एंड दे वर इग्नोर्ड जस्ट इग्नोर्ड बिकॉज दे गेव द जजमेंट इन अगेंस्ट द इंदिरा गांधी ओके okay? As far as the other judges of the apex court and the high court are concerned, the president used to appoint them in consultation with Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court and High Court. He thinned fit. Okay. अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि यहाँ पर इनसे पूछना है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति इनसे consult कर सकता है. President used to appoint them in consultation with chief district of india in consultation after consultation ये दो वर्ड्स यहाँ पर यहाँ पर एक तरीके से जड़ बने थे इस केस की इन कंसल्टेशन मतलब आपने साथ में उनसे सजेशन लिया मानो या ना मानो आपकी मर्जी है आफ्टर कंसल्टेशन नहीं है यहाँ पर आफ्टर कंसल्टेशन है कि उनकी बात मानी गई दूसरे बंदे की अब 73 में जब केबीसी केस आया था केशवानंद भारती केस आपको पता है उसके बाद से ही यहां पर लड़ाइयां होने स्टार्ट हो गई थी इंदिरा गांधी और जुडिशरी की

जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दी थी जिसने सभी सरकार के खिलाफ जजमेंट देनी स्टार्ट कर दी थी बट फाइनली इंदिरा गांधी इलेक्शन एंड यहाँ पर जो सीनियोरिटी का प्रोसेस था उसको रिस्टोर कर दिया जाता है एंड इसके बाद जजिस को लगता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो हैं, वो हमारे बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं दैट लेट टू द फर्स्ट केस एस पी गुप्ता केस वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया पटिशनर थे यहाँ पर ये एंड यहाँ पर कोर्ट में ये केस जाता है जिसमें फर्स्ट केस में ऑल दो जुडिशरी ने यहाँ पर सरकार के फेवर में ही वो दिया और कहा कि प्राइमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीन्स अगर जो चीफ जस्टिस यहाँ पर कंसल्ट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस की बात माने या ना माने राष्ट्रपति की मर्जी है बट जैसे ही सेकंड जजेस केस आया 93 में उस टाइम पर एक इंपीचमेंट का प्रोसेस भी चल रहा था यहां पर ओके okay, तो तो का प्रोसेस एक जज के खिलाफ चल रहा था ऑफ द पे चलता है तो यहां पर उनको यह लगा कि हमने जो पहली जजमेंट दी है आई थिंक वो गलत हो गई है एंड यहां पर उन्होंने इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया एंड सेकेंड जज केस में कहा कि जो प्राइमरी ऑफ द जुडिशरी है वो चलेगी एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया जाएगा एंड इन तीनों के डिसीजन को फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बट थर्ड सेशन जब थर्ड जज केस आया अब यह लड़ाई हो गई कि जब चीफ जस्टिस के साथ दो जजेस हैं कि क्या यहां पर चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है सोल ओपिनियन वो फाइनल होगा कि इन दोनों जजेस की भी पॉइंट्स को रखा जाएगा एंड फाइनली कहा गया कि चीफ जस्टिस के साथ चार बंदे होंगे चार जजेस होंगे सॉरी एंड यहां पर इन पांचों की मेजोरिटी काउंट की जाएगी सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस विल नॉट बी काउंटेड ओके okay? सो so यहां पर फाइनली एक बैलेंस बनाने की कोशिश की एंड उसे सिस्टम नाम दे दिया गया, फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सबसे पहला केस हमारे पास 1981 में आ जाता है व्हेन इंदिरा गांधी इन पार इंदिरा गांधी इन पार तो इसका दूसरा मतलब है

मैंने आपको कंसल्ट करा है एट लास्ट द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट गवर्नमेंट बाउंड नहीं है इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन विद द द ओपिनियन ऑफ ऑफ चीफ जस्टिस इंडिया दैट मींस एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति के पास फाइनल पार होगी एंड यहां पर चीफ जस्टिस का ओपिनियन मे और मे नॉट काउंट किया जाएगा यहां पर उनका ओपिनियन बाउंड नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर द अल्टीमेट पावर ऑफ द अपॉइंटमेंट रेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट

कहा कि गवर्नमेंट को कंसल्ट तो करना है करेगी बट उनके ओपिनियन से बाउंड नहीं है चीफ जस्टिस के ओपिनियन से बाउंड नहीं होगा जजेस के ओपिनियन से बाउंड नहीं होगा इट सो इनडायरेक्टली सेट

अराउंड 92 या 93 में एक इम्पीचमेंट का केस चल रहा था एक जज एक के खिलाफ तो यहां पर जुडिशरी को यह लगा कि जो हमने पहले जजमेंट इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिव दे दिए हमें आई थिंक उसको ओवर रूल करना चाहिए एंड कहा जाता है जो ये जजमेंट थी सेकेंड जज ये थी बर्थ ऑफ कॉलेजियम सिस्टम यहां से बर्थ हो गया था अडकेट आफ्टर द जजमेंट इन द फर्स्ट केस्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट

बट इट इज नॉट ओनली हिम जैसे पहले था कि खाली चीफ जस्टिस ही नहीं बट देर शेड बी अम जिसमें दो इन केस दीम कोर्ट इन के हाई कोर्ट देर शुड बी अलिजियम कंसिस्टिंग ऑफ हिम एंड टू अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर मेकिंग प्रपोजल एंड अपॉइंटमेंट सो फर्स्ट में खाली चीफ जस्टिस था सेकेंड में आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस प्लस टू

इन दोनों जजेस की जो एडवाइस है वो मानी भी नहीं जाती थी तो यहां पर हो गया था कि चीफ जस्टिस जो कह रहा ने इन दोनों जजेस की जो एडवाइस थी उसको माना ही नहीं एंड कहा कि इन हम तीनों का मतलब क्या है चीफ जस्टिस ही है एंड मेरा सोल ओपिनियन ही सरकार के पास जाएगा

इनको भेज भेज दिया। बट नाउ इफ अगर दोबारा फिर सेम लिस्ट दी तो यहां पर राष्ट्रपति बाउंड बाउंड है। यहां पर बाउंड होगा. यहां पर होगा, एग्जीक्यूटिव अपनी नहीं चला सकते। एंड इसको चलाने के लिए ही केस आया था, जिसका नाम है NJAC, यहां पर यहां पर हो रही थी इसलिए फाइनली जुडिशरी ने नाइनटी अमेंडमेंट दैट डील्स विद एन वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था जज ऑफ दर्ट दीफ जस्टिस ऑफ दट हाईकोर्ट इन कंसल्टेशन विदर जजेज एंड द में बार दैट इज हाई कोर्ट कोलिजियम लिस्ट ऑफ मेरिटोरियस पर्सन यहां पर एक लिस्ट बनाते हैं ये एंड उसके बाद एक प्रपोजल भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के लिए एंड उसके बाद फाइनली ये राष्ट्रपति के पास असेंड के लिए भेज देते हैं अब ये में ये आया कि यहाँ पर ये चीफ जस्टिस और ये चार ये अंदर ये अंदर ही खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि किसके पास ये कैपेबिलिटी है किसके पास ये कौन इसका कैपेबल है एंड खुद ही ये इसको अपॉइंट कर रहे हैं तो ये कई बार क्रिटिसिज्म आता है कि जुडिशरी अपने आप ही अपने आप को अपॉइंट कर रही है एंड खुद ही डिसाइड कर रही है कि कौन मेरिटोरियस है एंड कौन नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट इज टू बीटेडियम जजेस जो बन सकते हैं बट है। यह ध्यान रखना नहीं बन सकता है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कोर्ट कोर्ट कोलिजियम एंड फाइनली राष्ट्रपति जी के पास नाम जाता है चीफ जस्टिस हरदम सीनियरिटी बेसिस पे आएंगे मींस द सीनियर मोस्ट जिसको बीच में इंदिरा गांधी के टाइम पर मैरिट की फॉर्म का नाम लेकर तीन सीनियर मोस्ट जज को सुपर सीट कर चीफ जस्टिस बना दिया गया था सो इफ आई कंक्लूड दिस जजमेंट केस दिस थ्री जजिस केस कोलिजियम सिस्टम हैज बिन वर्किंग वेल कीपिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी हाउ एवर देर है कि अंदर कोई इनके बीच में ही करप्शन ना हो क्या पता एक जज दूसरे से चिड़ता हो क्या पता इस जज की इसके साथ बहुत टाइम से ना बनती हो तो मे भी उसका नाम वो आगे ना रखे सो नीड टू बी देव ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम द कोलिजिया मस्ट हैव द एम ऑफ अपॉइंटिंग द बेस्ट पॉसिबल जज जो बेस्ट जज है उसको अपॉइंट करें इन द हायर जुडिशरी ओके सो कभी भी अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो टर्सल होगी ठीक है वहां पर जो टसल थी उसको खत्म करा एंड वो फाइनली कोलिजियम को लेकर आ ये में बढ़ गए थी बट उसे कर दिया गया। so, दिया, जो यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आता है एग्जीक्यूटिव हो गए जुडिशरी हो गए ये बोनाफाइड की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं इट्स ओनली वेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एक्ट बोनाफाइड एंड इन कॉपरेशन जब सब फं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे कॉपरेट करेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि हम बेस्ट जजेस को प्रोड्यूस करेंगे एंड हमारी बेस्ट जुडिशरी होगी वर्ल्ड के अंदर नॉट इन द इंडिया इन द वर्ल्ड सो एट प्रेजेंट मैं आपको अगर एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दू फर्स्ट जजेस फर्स्ट जज केस में कहा गया कि राष्ट्रपति जी को मे और मे नॉट चीफ may may जस्टिस के साथ दो जजेस को सीनियर मोस्ट जजेस को बिठाया जाएगा इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इन केस ऑफ द हाई कोर्ट बट यहां पर लड़ाई ये हुई कि चीफ जस्टिस ने उन दोनों जजेस की ओपिनियन को लेना बंद कर दिया कुछ केसेस में एंड कहा कि इस का मतलब है द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट यहां पर चीफ जस्टिस की प्राइमेसी को तोड़ दिया गया एंड फाइनली 98 में थर्ड जज उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस के साथ चार सीनियर मोस्ट जज और बैठेंगे एंड इन पांचों में से जो यहां पर मेजोरिटी में डिसीजन आएगा वही माना जाएगा एंड कहा गया कि अगर एक बार राष्ट्रपति को एक मेरिटोरियस जजेस की लिस्ट भेज दी गई बट राष्ट्रपति यहां खुश नहीं होते हैं एंड वो वापस भेज देते हैं उस लिस्ट को तो यहां पर जो कोलिजियम है वो बाउंड नहीं है वो सेम टू सेम लिस्ट दोबारा भेज सकता है पार्ट है, है, है जो केशविंदा भारती केस के बाद आया था एंड इसी कारण एन जैक जिसको फोर्थ जज केस कहा जाता है उसको नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दिया गया था नाइनटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 judges cases okay i hope you all have understood this jai hind